नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उमेश। विराट 24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। राष्ट्रीय ध्वज को उल्टा फहराने का एक फोटो इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वायरल फोटो के संबंध में बताया गया है कि यह फोटो रीवा जिला के हनुमाना नगर परिषद का है, जहां राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम किया जा रहा था। इस दौरान राष्ट्रीय ध्वज को उल्टा फहरा दिया गया, जिसका किसी के द्वारा फोटो और वीडियो बना लिया गया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। वहीं इस संबंध में जब हनुमाना नगर परिषद के CMO अरुण कुमार त्यागी से बात की गई, तो उनके द्वारा बताया गया कि कुछ कर्मचारियों की लापरवाही के कारण तिरंगे को उल्टा लगा दिया गया था, लेकिन जैसे ही यह जानकारी लगी कि तिरंगा उल्टा है, तत्काल तिरंगे को सही करवाया गया। वहीं फोटो जब से सोशल मीडिया पर वायरल हुई है, तब से लोगों के द्वारा तरह तरह के कमेंट किए जाने लगे हैं, क्योंकि राष्ट्रीय ध्वज को फहराने से पहले रिहर्सल कर लेना चाहिए था, लेकिन किसी भी कर्मचारी के द्वारा रिहर्सल नहीं किया गया और जल्दबाजी में राष्ट्रीय ध्वज को उल्टा ही फहरा दिया गया। ये नगर परिषद हनुमाना के जो दो कर्मचारी हैं, त्रिवेणी प्रसाद शुक्ला और राम रखवारे, ये प्रतिवर्ष झंडा लगाते थे, इनके द्वारा ही झंडा लगाया था वो। और इनका कहना ये था कि भाई साहब, हमने सही लगाया था सीधा, पर किसी का पता नहीं कैसे वो उल्टा हो गया है, और जैसे ही निगाह में आया हमारे, तो हमने तुरंत उसको झंडे को सीधा करवाया, मतलब सुधार कराया उसमें। ये चपरासियों की गलती की वजह से हुआ है। अब आगे हम इसमें विशेष तौर से ध्यान रखेंगे कि वो अपने सामने ही झंडा लगे। सर नहीं, वो कर्मचारियों की, वो जो सीनियर कर्मचारी हैं, प्रतिवर्ष लगाते थे, अब कैसे उनसे गलती हुई है, वो एक मैंने चर्चा भी की थी कि साहब, हमने तो कुछ बांधने में थोड़ी वो हुआ है, उसकी वजह से वो हुआ है, गलती हुई है।